शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे आबकारी विभाग ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी में कच्ची शराब बेचने व बनाने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया। इस दौरान आबकारी विभाग ने करीब 400 लीटर कच्ची शराब बरामद की, जबकि 18 किलो लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया। आबकारी विभाग की कार्यवाही से आदर्श कॉलोनी में कच्ची शराब का धंधा करने वालों में हड़कंप मच गया। आबकारी अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कच्ची शराब बेचने में प्रयोग की जाने वाली 2 बाइक भी बरामद की है। उन्होंने बताया कि छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज जो छापा मारी गई है, कितनी शराब पकड़ी है, कितने लहंगे आपने नष्ट करे? शराब की मात्रा लगभग 400 लीटर के आसपास और लहंगे तो लगभग 1800 लीटर के आसपास नष्ट किए। कितने की गिरफ्तारी है और तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसको आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई। कितनी बाइक पकड़ी गई? दो बाइक बरामद हुई है। सर, आपके लोग छापामारी भी होती है, फिर भी ये लोग तो नियमित है, क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बड़ा संदर्भ समय नसीब ले लिया है। वहाँ पर जाति के लोग हैं, ये लोग हमेशा से करते चले आ रहे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि हम जहाँ तक हो सके इसको नियंत्रण रखा जाए। इस शराब से क्या मतलब जहरी शराब होती है, क्या क्या होती है, किस हिसाब से ये बनती है? ये लोग बनाते हैं लहन द्वारा, और लहन जो है बनती है गुड़ से और काफ़ी मात्रा में बनाए जाते हैं और हम लोग हर बार प्रयास करते हैं और हर बार कभी गिरफ्तारी होती, कभी नहीं, कभी गिरफ्तारी होती है।